हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अपने आप को सरेंडर करें। परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर भी आपके निकट आएंगे। आज की प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास है कि आपका जीवन बचाया जाएगा। आज की प्रार्थना के द्वारा आप फिर से गलत राहों में नहीं चलेंगे। आज की प्रार्थना को सिर्फ सुनना नहीं परंतु ग्रहण करना, और ग्रहण करने के द्वारा आज आप परमेश्वर से छुटकारे को पाएंगे, नए जीवन को पाएंगे और परमेश्वर की अद्भुत कृपा और शांति को रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। बोलो, वो लाइफ को बदल देता है। बोलो, वो जिंदगी को आसान कर देता है। बोलो, वो मुश्किलों को दूर कर देता है। और ऐसा ही होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप आमीन बोल रहे थे, गवाही आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अद्भुत शांति प्रदान करता है। आपके मनों में शांति प्रकट करने वाला, देने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसी शांति जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी, ऐसी शांति परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज की वचन और प्रार्थना को रिसीव करें। जो आप वचन सुनेंगे, मेरा विश्वास है ये वचन गुड़ और भेदों को प्रकट करती हो, और साथ ये वचन एक हमारे लिए मिरर का काम करता है, आईने का काम करता है, जिसमें हम अपनी शक्ल को देख सकते हैं और साथ ही अकल को भी, अपनी बुद्धि को भी, हम परिमाण को भी सोच सकते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं। आपको जब वचन पढ़ते जाओगे सुनते जाओगे, आपको समझ में आएगा, अरे मैं ऐसे करती थी, अरे मैं ऐसे करता था, अरे इतने साल से हम विश्वास से हमको पता भी नहीं था और हमें अब जाकर पता चल रहा है। ओहो, मैं तो कितना उसमें पड़ा हुआ था, मेरी आंखों पे तो मानो कि पर्दा सा पड़ा हुआ है। हालेलुया। सो जितने साल तक आपकी आंखों में पर्दा क्यों था? आप परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे थे। क्यों नहीं पहचान पा रहे थे? क्या रुकावटी थी? क्या बाधाएं थी आपके लाइफ में? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज कुछ भी बाधाएं हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर आपको आजाद करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज हम बात करेंगे, ऐसे वचनों को देखेंगे। ये वचन मैं बहुत दिन से सोच रही थी और मैं पढ़ती भी थी वचन को। मैं सोचती थी इस वचन के बारे में कि सचमुच ये वचन कितना अद्भुत और सामर्थ्य है, पर मैंने वेट किया परमेश्वर जब मुझे अगुवाई करेगा तभी मैं इस वचन को सभी लोगों के सामने मैं फिर बात करूंगी इस वचन के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो आज का वचन बहुत ही खास है मेरे, और सबको ये वचन सुनना बहुत ही जरूरी है। आमीन। ये वचन है, लोग जो सोचते हैं अपने आप को कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, जो अपने बारे में सोचते हैं मैं बुद्धिमान हूँ, जो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, हालेलुया, और जो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने में लगे हुए हैं, अपनी बातों को रखने में लगे हुए हैं, अपनी बुद्धि की बातों को जो उनको अच्छा लगता है, जहाँ तक उनकी नज़र जाती है वो वहीं तक ही देखना पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा दूर नहीं। जहाँ तक उनका बुद्धि काम करता है वहीं तक वो समझ रखते हैं, जहाँ तक, हालेलुया। जैसे कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, सपोज आप घर लेने जाते हो, जमीन लेने जाते हो या कुछ भी लेने जाते हो, आपके हाथ में पैसे तो आप बेधड़क विश्वास के साथ जाते हो, लेकिन जब आपके पास कुछ भी ना हो तो फिर आपको क्या लेकर जाना है उस समय? विश्वास के साथ प्रार्थना में रखना है, हालेलुया, और जाना है। और देखो, परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा। आपको पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे विपत्ति में से बचा लेगा, वो मुझे छुड़ा लेगा। लेकिन इतना ही नहीं, परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा और ज्ञान का भी आत्मा दिया है, तो मैं बुद्धि और समझ की आत्मा से भी काम करना। आप सोचो कि ओ मतलब अपनी बुद्धि और अपनी समझ की आत्मा से? नो, नेवर। परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचन के अनुसार हमें काम करना है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का वचन थ्योरी है लेकिन प्रैक्टिकल भी है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो आज का हम वचन पढ़ेंगे जो वचन कहता है, नीति वचन 16:25 में हम पढ़ेंगे। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हमने क्या देखा? नीति वचन 16:25। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इंग्लिश के बाइबल में पढ़ेंगे हम। देयर इज अ पाथ दैट अपीयर्स टू बी राइट, बट इन द एंड इट लीड्स टू डेथ। क्या लिखा है? जब हमने जैसे देखा, अपीयर्स लगता है कि राइट, एवरीथिंग इज ओके राइट, बट इन द एंड इट लीड्स टू डेथ। ये कहां की ओर लेकर जा रहा है? ये किस तरफ की ओर आपके पैर को मोड़ रहा है? हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। देयर इज अ वे दैट सीमेथ राइट अनटू अ मैन, बट द एंड देयरऑफ आर द वेज ऑफ डेथ।
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है, जब हम इब्रानी की बाइबल में देखते हैं तो वहाँ पर लगता है कि जो हमारा अस्तित्व है, हालेलुया, वो खत्म हो जाएगा, हमारा सब कुछ एंड दी एंड हो जाएगा यदि हम उस रास्ते को चूज कर लेते हैं जिस रास्ते को चूज नहीं करना चाहिए। हालेलुया, देखने में अच्छा लगता है, देखने में बेस्ट लगता है, देखने में तो ऐसा लगता है कि वो इसके जैसा तो और कुछ भी नहीं है, बेस्ट है ये रास्ता, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन ये क्या करता है, ये अंत में क्या करता है, ये मृत्यु की ओर लेकर जाता है। वो लीड करता कौन सी जगह में, मृत्यु की ओर लीड करता है। अब एक शराबी है, वो शराब पी रहा रोज। नशा करने वाले के बारे में मैं बात करूं तो जो नशा करते हैं वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो नशा करते, छोटा नशा, बड़ा नशा, हालेलुया, कैसा भी नशा करते, मेडिकल नशा करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी लेते हैं, कुछ भी मंजन वाला नशा, पुड़िया वाला नशा, अब वो छोटा सा नशा है वो कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका बढ़ता ही जाएगा, उसके बिना रह नहीं पाएंगे वो, ऐसे भी लोग हैं। अब वो नशा उनको कौन सी जगह में लीड कर रहा है, देखो कौन सी जगह में लेके जा रहा है। इसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। पहला, एक शरीर में नुकसान, किडनी में नुकसान, पेट में नुकसान। नशा कर करके कई लोग अपनी ज़िंदगी गंवा दिया। शरीर का नुकसान, सोचते हैं शरीर का तो नुकसान है, पर आप भूल जाते हैं सिर्फ शरीर का ही नुकसान नहीं है, इसमें आपके आत्मा का भी नुकसान है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र, पवित्र, पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। ये सारी आत्माएं स्पिरिट्स हैं। अब वो आपको ऐसी संगति से मिला देती है, ऐसे दोस्तों से मिला देती है, वो बोलते कर लेना यार, कर लेना थोड़ा सा मेरे लिए, कर लेते मुझसे प्यार करता है तो। फिर ऐसी ऐसी बातें होती है और उसके बाद आप लग जाते हो। हालेलुया, कई लोग गम को भुलाने के लिए, कई लोग दुखों को भुलाने के लिए ऐसी वैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जबकि भूल जाते हैं कि ये तो शैतान का प्रोडक्ट है। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि शैतान अपने काम में 100% लगा हुआ है, 24 घंटे लगा हुआ है। वो अपनी जॉब को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। जलन की आत्मा, झूठ की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, अडल्टरी की आत्मा, सारी आत्माओं को काम पे अच्छे से लगा दिया है। और सारे आत्मा स्पिरिट्स काम कर रहे हैं लोगों के जीवन में, पीछे पड़ पड़ कर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। हालेलुया, और वो कर रहे हैं उसके, क्योंकि शैतान को पता मेरा अंत नज़दीक है तो मैं जल्द से जल्द आत्मा को कमाऊँ। वो भी आत्मा कमा रहा है। यदि मैं नरक में जा रहा हूँ तो मैं और सबको लेकर जाऊँगा, उसकी ये है, वो ये सोच रखता है। वो ये कहता है मैं नरक में जा रहा हूँ, मुझे सिंहासन से फेंक दिया गया, तो अब मैं इनको भी स्वर्ग जाने नहीं दूंगा, अब मैं इनको नरक की ओर लीड करूँगा। और इसी वो सारी आत्माएं, गुस्से की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, जलन की आत्मा, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हालेलुया, ये अब लीड कर रही है। एक झगड़े के रूप में लीड कर रही है आपको, एक झगड़ा करवा रही है, जलन करवा रही है, पाप करवा रही है, व्यभिचार करवा रही है, अडल्टरी करवा रही है, चोरी करवा रही है। इतनी छोटा चोरी, बड़ा चोरी, दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों का परिणाम सेम है। थोड़ा व्यभिचार, देखने का व्यभिचार या टच करने का व्यभिचार, दोनों का रिजल्ट सेम है। सोचो ये व्यभिचार आपको कहाँ लीड कर रहा है। यदि आप सारे पापों का रिजल्ट, परिणाम जान जाओगे और अब कभी भी अपने जीवन में वो पाप को दोबारा नहीं करोगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है सचमुच में, ये आपको कौन सी जगह लेके जा रहा है, ये पाप कौन सी दिशा में लेकर जा रहा है, ये आपको बहुत ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आपको रिसेंट सरमन डाला गया था, व्यभिचार का रिजल्ट, यदि आप व्यभिचार करने का पाप, अडल्टरी का रिजल्ट को जान लोगे तो कभी भी आप नहीं करोगे। चोरी करने का रिजल्ट आप जान जाओगे तो कभी भी चोरी नहीं करोगे। यदि आप झूठ बोलने का रिजल्ट जान जाओगे तो कभी भी नहीं, क्योंकि झूठ हो गया, चोरी हो गया, लड़ाई हो गए, झगड़े हो गए, जलन हो गए, रिश्वत लेना और देना, ये कौन सी जगह, कौन कहाँ को लेकर जा रहा है। ये रिश्वत लेना, घूस देना, घूस देना, ये तो परमेश्वर बहुत ही नफरत करते हैं। इन चीज़ों से परमेश्वर को बहुत ज़्यादा नफरत है। एक विश्वासी होकर एक विश्वासी वो भी कर रहा है। आज बड़े लोग कर रहे, छोटे लोग कर रहे, कि सभी छोटा रिश्वत, बड़ा रिश्वत, सभी बराबर है। एक रिश्वत आपको कहाँ, कौन सी जगह लीड कर रही है, आपको कौन से मार्ग में लेकर जा रही है। एक तरफ देखने में, अभी मैं क्या पढ़ा परमेश्वर के वचन को, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता, आपको सीधा लग रहा है, आपका घर भर रहा है, आपका पेट को भर रहा है, लेकिन अंत में इसका रिजल्ट ना गदौना सा कड़वा है।
व्यभिचार में मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है, लेकिन अंत में वो सांप की तरह करैत की तरह आपको डसता और डसता और डसता जाता, बर्बाद करके छोड़ देता है। उसको अपमान होता है, उसको उसका सब कुछ बर्बाद होता है, उसे घायल होना पड़ता है, उसे नष्ट होना पड़ता है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो सोचो आज आपके लाइफ में क्या चल रही है और वो कहाँ की ओर लेकर जा रही है। कई बार हमें वो रास्ता अच्छा लगता है, कई बार अपनी प्लानिंग में रहते हैं, अपनी धार्मिकता को स्थापित करने में लगे हुए हैं। दूर कहाँ जाना, आप बाइबल में ही सही देख लो। सदू की फरीसी की फरीसी जो थे, उनको क्या वचन नहीं मालूम था? उनको मालूम था, लेकिन वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने में लगे हुए थे और अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के चक्कर में परमेश्वर के वचन को भूल गए और जो उनको अच्छा लगता था वो करते थे। और इस तरह से वो अपने लिए क्या तैयार कर दिया, वो उनको जो अपनी स्टाइल में धार्मिकता पसंद था वो कौन सी जगह लीड कर रही थी? दिखावा, घमंड, मैं ऊंचा, मैं सबसे ऊंचा, मैं सबसे प्रधान। आज कहीं भी चले जाओ तो सब प्रधान बनना चाहते हैं, सेवा कोई नहीं करना चाहता। रियलिटी में देखो तो सेवा कोई नहीं करना चाहता, नथिंग एल्स। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैंने देखा ये, सेवा कोई नहीं करना चाहता, सब प्रधान बनना चाहते हैं, सब लीडर बनना चाहते हैं, पर छोटा नहीं होना चाहता। वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? यदि तुम बालक के समान रहोगे तो छोटे जो होंगे, छोटे का मतलब होता है जो जो यहाँ छोटे किए जाते हैं वो स्वर्ग में बड़े किए जाएंगे। जो छोटा सा भी छोटा काम करते हैं, नाम के लिए काम नहीं करते, वो स्वर्ग में बड़े किए जाएंगे। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लेकिन आज सेवा की बात की जाए तो लोग सेवा नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं आपसे एक छोटी सी मैं बात करना चाहती हूँ, एक मेरी जो पर्सनल टेस्टिमनी है, आई थिंक मुझे शेयर करना चाहिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, और जिस चर्च से हम आए हैं तो वहाँ पर यदि आप कह देते हो कि मुझे ये सेवा करनी है, वो आपको सेवा कभी भी नहीं मिलेगी। वहाँ आप बोलोगे मुझे झाड़ू लगाने की सेवा दे दीजिए प्लीज़, उन्होंने झाड़ू लगाने की सेवा कभी नहीं देना, उन्होंने टॉयलेट साफ करने का सेवा देना। उन्होंने बोलना, यदि आपने बोलना मुझे सफाई करने का दे दो, तो उन्होंने आपको सफाई करने का नहीं देना, उन्होंने आपको कुछ और दे देना जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो चीज़ आपको पसंद नहीं, जो जिसको आप करना नहीं चाहते, जिससे आपको बदबू आती, घृणा आती है, वो सेवा दी जाती है। ये मैंने सीखा है, जिससे कोई घृणा है, जब करना ही नहीं चाहते, आप पानी में हाथ नहीं मारना चाहते, मिट्टी में हाथ नहीं मारना चाहते, साबुन सर्फ में हाथ नहीं मारना चाहते, बर्तन नहीं मारना चाहते, नाली साफ नहीं करना चाहते, हालेलुया, कोई सफाई वाला इस तरह का काम नहीं करना चाहते आप, तो वही सेवा दी जाती थी। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब, ऐसे देने का मतलब? इसलिए ये मतलब है कि जो आपको पसंद है वो नहीं, जो नापसंद आपको वो दिया जाएगा, ताकि हर चीज़ों में ढलना सीखना है, हर चीज़ सेवा करना है। हमें हर सेवा में हम अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते। हालेलुया, वो हमें सिखाते हैं जो हम सेवा कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं। हालेलुया, इसमें कोई साफ कोई गंदगी नहीं, सेवा तो सेवा है। हालेलुया, मैं अपने चर्च की बात करती हूँ, मैं सबको कहती जो आपको दिखता, जो आपको लगता है यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, तो ये मत बोलो मुझे नहीं आता, करो उसको। हालेलुया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें हाथ नहीं मारना चाहते, काम नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, परमेश्वर सब देख रहे हैं, भागते हैं लोग सेवा से, दूर भागते हैं। वहाँ पर बर्तन धुल रहा, बर्तन मंज रहा, तो वहाँ पर बोलेंगे नो 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 नो, यहाँ से खिसक लो तो अच्छी बात है, यहाँ से निकल जाओ तो अच्छी बात है। हालेलुया, यदि आज तक आपने सेवा नहीं की परमेश्वर के घर में, तो आप क्या मुँह दिखाओगे? अपना भाग खो रहे हो आप अपना ब्लेसिंग खो रहे हो, आप अपना उत्तम चीज खो रहे हो। परमेश्वर के घर में काम करना सचमुच में प्रभु के, सोचो स्वर्ग में परमेश्वर के, सोचो परमेश्वर सिंहासन में, और उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जिसको घृणा है जूठा प्लेट धोने से, उसको वही सेवा दी जाती थी। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हालेलुया, इसलिए कई लोगों को मार्ग सीधा जान पड़ता है, लेकिन उसके अंदर मृत्यु नजर आती है। कई लोग ऐसे काम करते हैं, सदुकि फरीसी ने अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश की और अंत में क्या मिला? इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, हाय तुम पर, यदि और किसी नगर में काम किए जाते अब तक तो बदल जाते, पर तुम क्या चीज हो। कितनी बार बोला कि ये सदुकि फरीसी क्या है, ये विश्वास नहीं करना चाहते, मसीह आ गया तो भी विश्वास नहीं करना चाहते, आंखों में पर्दा पड़ा इनके,
हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ। इसलिए जो चीजें आपके लाइफ में हैं और आप समझना नहीं चाहते, हो सकता है वह आपको कौन से मार्ग लेकर जा रही है, रिजल्ट के बारे में जानो, समझो कि आपकी लड़ाई करना, आपका झगड़ा करना, आपका जलन करना, आपका झूठ बोलना, आपका रिश्वत लेना और देना, हालेलुया, झूठा केस करना, कहाँ को की ओर लेकर जा रही है आपको, कौन से मार्ग की तैयारी कर रहे हो आप, कौन से जगह में जाने की तैयारी कर रहे हो। मान लो कि कोई डॉक्टर बनना चाहता तो डॉक्टर बनने की तैयारी करता, पढ़ाई करता है। इंजीनियर बनना चाहता तो वही सब्जेक्ट लेगा, पर आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप कौन सा मार्ग को पकड़े हुए हो और कौन सी आत्मा आपके अंदर बैठ गई है जो आपको गलत मार्ग में लेकर जा रही है, और आपको सब कुछ तो सही लगता है लेकिन एक्चुअली में आपका जो रास्ता है वो टोटल रॉन्ग है। सही दिशा परमेश्वर का वचन लेकर जाता है। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज यदि गलत दिशा में चल रहे हैं, गलत शिक्षा में हैं, कई लोग जीसस को मानते हैं तो पवित्र आत्मा पिता को नहीं मानते, कई लोग पिता को मानते हैं तो पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानता, कौन सी जगह कौन सी दिशा में जा रहे हैं। कई लोग बोलेंगे आके कि पवित्र आत्मा नहीं होता, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। कई लोग बहुत सारे मिमिकिरी करेंगे, बहुत सारी गलत गलत बातों को करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, उनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को वो अपनी स्टाइल में बताएंगे जहाँ पर परमेश्वर का वचन खंडन करता, उन बातों का विरोध करता है। तो ध्यान रखना, कई लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा है, सिर्फ पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, कई लोग बोलेंगे सिर्फ जीसस है और ताली मारना पवित्र आत्मा की भाषा नहीं है, अलग अलग तरह की बातें होंगी। सोचो आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी जगह में जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो। कई लोग यहोवा वाले हैं, कई लोग ओनली जीसस वाले हैं, कई लोग सिर्फ पवित्र आत्मा वाले हैं, ऐसा नहीं है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों होना जरूरी है। आमीन। प्रभु की तारीफ हो। कई लोग पवित्र आत्मा का आजकल मजाक भी उड़ा रहे हैं, इसे सावधान रहना। उनके आगे पीछे और वचन सही हो सकता है, मैं ये नहीं कहती हूँ गलत है, लेकिन उन बातों को ना लो जो बातें गलत हो रही, से वचन पढ़ो, समझो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। ये आपका जानना बहुत ही जरूरी है कि आप भटके ना स्पिरिट, क्योंकि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक आएंगे जो कहाँ के ओर लेकर जाएंगे, हाँ के मार्ग, वो हो सकता है वो बाद में बच भी जाए, तौबा भी कर ले, मन भी फिरा ले, फिर आपने जो सीख लिया गलत शिक्षा को, फिर आपका क्या होगा। इसे हमको देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन अंत में कहाँ लेकर जा रहा है, ये सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम ज्यादा के चक्कर में जितना हमने कमाया वो भी खत्म, आपका वो भी खत्म हो जाएगा। ज्यादा के चक्कर में पड़े हो तो वो भी चला जाएगा। इसे ध्यान से देखो क्या देखते हो, इसे ध्यान से चलो क्या कैसे चलते हो, इसे निर्बुद्धि नहीं पर बुद्धिमान बनो, वचन कहता है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाओ, तुम्हारे निकट आएगा। आज अपने लाइफ को देखो, चेक करो, जांचो कौन सी जगह में जा रहे हो, कौन सी संगति में आप जा रहे हो, कौन सी जगह में बैठते हो, ठट्ठा करने वाली में, तो वो कौन सी जगह में आपको लीड कर रही है। हालेलुया। कौन सी जगह को तैयार कर रही है आपके रास्ते को। ध्यान रखो इन बातों का। हालेलुया। आपको ये समझना होगा आज, आपको देखना होगा ये आज। हालेलुया। कौन सी जगह में बैठे हो, कौन सी जगह में जा रहे हो, कौन सी संगति कर रहे हो, कौन से प्रचार को सुन रहे हो, कौन से वचन को सुन रहे हो। हालेलुया। ये वचन जब आप बाइबल पढ़ोगे तो ये वचन आपको पूरा पूरा आंखों को खोल देगी, आपके बुद्धि को खोल देगी, आपको समझ को खोल देगी, और आपकी लाइफ सेम रहेगी ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रार्थना में आ जाओ, परमेश्वर से बातें करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के निकट आओ। प्रभु आपसे बात करता है, परमेश्वर से बहुत बात करना चाहते हैं, आपसे भर भर के आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। परमेश्वर के निकट आ जाओ, प्रार्थना करना शुरू करो, फैमिली प्रेयर करना शुरू करो, अपना टाइम परमेश्वर को देना शुरू करो, और सब कुछ सही होता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। सच में जो परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा, इसलिए उसके आपके परमेश्वर की जो दया आप पर हुई है, इसलिए आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, रिसीव करो और आपकी लाइफ से में रहेगी। और मैं महसूस कर रही हूँ पवित्र आत्मा को, जो सचमुच उसका अभिषेक, उसके दया का आत्मा आप पर है। हालेलुया। आपको सुनाना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, और ऐसा परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों से दिन भर बात करते रहूं। कि आप तैयार है प्रभु से बात करने के लिए, फिर आप क्यों 10 मिनट की प्रार्थना में उब जाते हो, फिर क्यों 1 घंटे की प्रार्थना करके उब जाते हो। जब आप बात करना ही चाहते हैं तो बात करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, और तब देखो आपका सॉल्यूशन कैसे आता है, भाग कर कैसे आपको सॉल्व होता है। इसलिए उन मार्गों में ना जाओ जो कौन सी जगह में लीड कर रहा है, वो बातें, वो काम, वो संगति कौन सी जगह में आपको लीड कर रही है, कौन सी डेथ की तरफ, कौन सी मार्ग की तरफ, जहाँ कूड़ा और कचरा है, जहाँ झूठ और फरेब है, जहाँ लड़ाई और झगड़े हैं,
कौन सी जगह में लीड कर रही है, या फिर उस जगह में जाना चाहते हो जहाँ शांति और आनंद है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यीशु मसीह को मानने से आपका विरोध भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स। हालेलुया, परमेश्वर के निकट और तुम्हारे निकट आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। डोंट वरी, अगर खड़े रहना, प्रभु में बने रहना, और हर एक गलत चीजों को छोड़ो आपके लाइफ में है, हर अब करप्टेबल थिंग्स को छोड़ो जो आपके लाइफ में कार्य कर रही है, हर इन रास्तों को छोड़ दो जो आपको गलत मार्गों में लेकर जा रही है, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है, बीमारी है, समस्या है, उसका रिजल्ट नग दोनों सा कड़वा है। आइए एक परमेश्वर के निकट आए तो वो तुम्हारे भी निकट आएगा। हाँ, ये हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन एक गवाही को जरूर सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस सिस्टर का नाम दीप्ति सोनकर है और ये आगरा से आए हैं, और ये 2020 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हुए। सुबह शाम की प्रार्थनाओं के जरिए ये परमेश्वर को जानने लगे और भी वचनों के गहराई को ये ऑनलाइन पास्टर जी के थ्रू जाने और समझे हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे अद्भुत और असंभव को संभव बना करके दिया है। ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी शादी के 7-8 साल के बाद भी इन्हें कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, इनके पास कोई बेबी की ब्लेसिंग भी नहीं थी। और ये बताते हैं कि इनकी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे इनको लगातार बुखार रहता था, इनका ब्लड भी बहुत ज़्यादा कम था, और डॉक्टर के अनुसार, इनकी रिपोर्ट्स के अनुसार, इनके यूट्रस के जो मुँह है उसके ऊपर एक रिसोली थी, और डॉक्टर के अनुसार ये माँ नहीं बन सकते थे। हालेलुया, पर ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार अपने रोजाना टेस्ट के लिए बुखार और ब्लड जो उनका कम था उसके लिए, और अपने यूट्रस के हीलिंग के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे। और ये सिस्टर बताते कि उसके लिए ये लगातार डॉक्टर के पास जाते थे, और ये बताते कि कुछ समय ये डॉक्टर के पास नहीं जा पाए क्योंकि इनका पेट और ज़्यादा बढ़ गया था उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से, यूट्रस में जो इन यूट्रस के मुँह के ऊपर जो रसौली थी उसकी वजह से। सिस्टर बताते कि इनका पेट जो बढ़ गया था और ये डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, और ये बताते हैं कि ये 4 और 5 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, तो इन्होंने बताया कि ये कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। और ये सिस्टर बताते कि डॉक्टर ने बोला कि यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो ही मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूंगी। तो ये सिस्टर बोले कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं अल्ट्रासाउंड के लिए रेडी हूँ, आप मुझे लेके जाओ। तो ये सिस्टर बताते कि जब इनको अल्ट्रासाउंड के उस स्कैनिंग रूम में लेके जाया गया, डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट के अंदर 5 मंथ का बेबी है। हालेलुया, परमेश्वर, ये सिस्टर बताते कि ये रो पड़े वहाँ पर उस रूम के अंदर जहाँ पर इनका अल्ट्रासाउंड हो रहा था, ये सिस्टर रो पड़े। और ये बताते हैं कि इनको उस समय पास्टर जी के द्वारा कहे गए वो वर्ड्स याद आए कि जो जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है वो अपने जीवन में बेबी की ब्लेसिंग को रिसीव करे। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव बनाने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, और ये सिस्टर ने उस वर्ड को बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया। और ये सिस्टर बताते कि जब डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट के अंदर 5 महीने का बेबी है, तो ये सिस्टर बताते कि सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स कि मैंने बेबी की ब्लेसिंग को रिसीव किया और धन्यवाद मेरे मुंह से निकल रहा था। और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने जो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पर जाती है तो ये एक डेंजर जोन होता है, खतरे का कारण है। और फिर भी ये सिस्टर बताते, फिर डॉक्टर ने बोला आपका जो भी बेबी है वो और आप खतरे जोन में हो, अभी भी आपकी जो डिलीवरी है उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं और आपने किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना है। और ये सिस्टर बताते हैं कि मैंने डॉक्टर को बोला कि जब प्रभु ने मेरी सुन ली है, उसने मुझे ब्लेस्ड कर दिया है, बल्कि कर चुका है, तो मैं फिर क्यों ना बताऊँ। और ये सिस्टर ने सबको बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया, बताते कि मैंने सबको बताया, और प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी थे सिस्टर को। ये बताते कि इनको ब्लीडिंग भी होती रही और डॉक्टर बोलते थे कि आपको जो है आपको अपना जो बेबी है वो अबॉर्ट कराना पड़ेगा। हालेलुया, ये सिस्टर बताते कि मैंने अड़ी और खड़ी रही,
लगातार प्रार्थना में बनी रही। जो भी सुबह शाम की प्रार्थना में प्रोफेटिक वर्ड बोले जाते थे कि आपके ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं, आप ब्लेसिंग को रिसीव करें, बड़ी गवाही को रिसीव करें, असंभव बातें परमेश्वर आपके जीवन में संभव बनाने जा रहे हैं। और ये सिस्टर बताते कि लगातार इन सब वर्ड्स के साथ ये लगातार प्रार्थना में बने रहे। और ये सिस्टर बताते कि जिस दिन इनका डिलीवरी था उस दिन भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर ये बताते कि मुझे सजेरियन के दौरान भी ये सिस्टर बताते कि सिर्फ मेरे मुख से एक ही वर्ड निकल रहा था कि डॉक्टर जी सर। परमेश्वर ने इस सिस्टर के जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाही को उत्पन्न और पैदा किया है। असंभव था डॉक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके यूट्रस के मुंह के ऊपर एक सिस्ट भी थी। ये लगातार बुखार में रहते थे और इनका ब्लड भी बहुत कम था, और उसके अनुसार भी इन सब प्रॉब्लम्स में भी परमेश्वर ने इस सिस्टर को जैवंत किया और बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इस सिस्टर को 2021 में ब्लेस किया। और ये सिस्टर अपनी बेटी को लेकर के परमेश्वर के भवन में आए हैं गवाही देने के लिए। और ये सिस्टर बताते कि पास्टर जी 2021 में ही आप बेटी के नाम बता रहे थे, बेटियों के नाम बता रहे थे, तो पास्टर जी ने बोला कि अब आप परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। और ये सिस्टर बताते कि मैंने अपनी बेटी का नाम सृष्टि रखा। सभी जन परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें। परमेश्वर ने असंभव को संभव करके दिया है, अपने वायदों को, अपने वचनों को पूरा किया इस सिस्टर के जीवन में, और प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने इस सिस्टर के जीवन में परिपूर्ण करके दिया। इसलिए जोरदार तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टर बताएं कि आपको कितने साल बाद प्रभु ने बेबी के साथ ब्लेस किया? 8 साल बाद। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें जोरदार तालियों के साथ। देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है, वो असंभव काम को संभव बना देता है। हालेलुया। ये सिस्टर बताते कि इन्होंने लगातार प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, एक विश्वास था। और एक तरफ ये बोलते भी थे कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन एक तरफ ये प्रार्थना को सुनते थे, रिसीव करते थे और ग्रहण करते थे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रवेश की तारीफ हो। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में तो परमेश्वर उस बंद दरवाजे को खोल देता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप प्रार्थना, आप अपना बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, मतलब काम करते जाओ, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाओ, और आपको पता नहीं कि परमेश्वर गवाही को पैदा कर रहा है। बिहाइंड द सीन परमेश्वर क्या कर रहा है? वह गवाही को पैदा कर रहा है, पर कौन देख पाएगा, कौन समझ पाएगा, कौन महसूस कर पाएगा? जो आत्मा में है परमेश्वर से प्रकट कर देगा। वो जब भी प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसे हियाव देगा, उसे बल देगा, उसे शक्ति और उसे सामर्थ्य देगा। यदि आपकी जिंदगी में भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ होगा, क्या कभी ब्लेसिंग्स आएगी, क्या मेरे जिंदगी में भी कभी कुछ बदलाव आएगा, मेरे परिवार में बदलाव आएगा, आपने अपना बेस्ट देना है, चाहे सामने वाला जो मर्जी करे। हालेलुया। वचन को पूरा करते जाना है, चाहे कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, उसी परिस्थिति में आपने परमेश्वर को अपना बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट देते जाना है। और क्योंकि परमेश्वर बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। और वे के रिजल्ट के साथ, सिस्टर को पता ही नहीं था कि कितने मंथ का बेबी है। हालेलुया। पता चल जाता ना वैसे, पर इनको पता नहीं था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पता चल जाता है पर इनको पता नहीं था। और ये है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर ने भी पता नहीं चलने दिया। हालेलुया। किधर को समझ में आ रहा है? परमेश्वर अद्भुत काम करता है और वो आपकी जिंदगी में भी करने जा रहा है। इसे जोर से ताली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। वो दिखाओ कैमरे में। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बच्चा दिया है वो कितना सुपर ब्लेस्ड है, कितना आशीषित है और कितना सुंदर है। हालेलुया। दिखाओ दिखाओ देखो, परमेश्वर की महिमा को देखो, आपके सामने में है जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। कैमरा कौन खड़ा वहां पर? परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। जूम करो, जूम करो, जूम करो। हालेलुया। देखो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत और कितना महान है। जो डॉक्टर से नहीं हो सकता, हालेलुया, वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितने लोग खुश हैं, कितने लोग आनंदित है, जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रभु मसीह की तारीफ हमें। प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शूली जैसी वक्त। हालेलुया। जो आज का वचन कितने लोगों को समझ में आए मुझे कमेंट्स करें और बताएं। मैं प्रार्थना करती जिन लोगों को आज वचन समझ में, बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए, और पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हे शैतान दूर हो जाए, ऐ दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, स्पिरिट्स आत्माएं दूर हो जाए इनके लाइफ से जो इनको गलत मार्ग में लेकर जा रही है। हालेलुया। जिनसे झूठ बोलवा रही, लड़ाई करवा रही, झगड़ा करवा रही है, गलत पथों पे लेकर जा रही, गलत रास्ते पे लेकर जा रही, गलत काम करवा रही, गोली गुस्फाई या फाई या फाई या ईश्वर के सामर्थ्य नाम में
आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु यीशु, और बदल दीजिए प्रभु यीशु, और बदल दीजिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबकतो नमसंति रिबेकेति निमिशंति रलबकंति रलबकतो नम निमिकेंति रलबशंति रलबकंति। पवित्र आत्मा यीशु और बदल दे, पवित्र आत्मा यीशु और बदल दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जा, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जा, दुष्ट आत्मा छोड़ और निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकतो नमसंति रलबशंति रलबकंति रलबकेति रलबकति। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु अनुग्रह दो, प्रभु यीशु तसल्ली दो, हरे बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हरे दुष्ट कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान दूर हो जा, जिनको गलत मार्गों में लेके जा रही, गलत पथ पर लेके जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गॉस्ट फायर, इसी वह पवित्र आत्मा की आग आपके सिर में उतरे, बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए, हर गलत चीजों को छोड़ दे यीशु मसीह के सामर्थ्य। कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक नशा करने वाला फिर नशा ना करे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करेगा, ठगने वाला फिर से नहीं ठगेगा, दो नंबर का काम करने वाला फिर से दो नंबर का काम ना करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त शैतानी अधिकार, शैतानी चीज आपकी लाइफ से जाए, हर एक करप्टेबल थिंग्स जो आपके माइंड में, आपके चरित्र में, आपके कैरेक्टर में काम कर रही है, होली गॉस्ट फायर इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद हो जाए, बंधन टूटे, इसी वक्त आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, आपकी लाइफ सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ, यदि आप छोटा नशा बड़ा भी नशा करते हैं, छोड़ दो, मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको नरक की ओर लीड कर रहा है। यीशु के नाम में नफरत पैदा करते हैं इनके मनों में इस नशे के प्रति। होली गॉस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु और बदल दीजिए, प्रभु यीशु और बदल दीजिए, हर गलत थिंग्स एंड करप्टेबल थिंग्स के प्रति नफरत पैदा करते हैं, आज से वो कामों को नहीं करेंगे आप। होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम, आपकी बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए, आपको समझ, हमेशा आपको आत्मिक समझदार बनाए, और आपको समझ में आए कि हमें ये काम नहीं करना है, हमें गलत मार्गों पे नहीं जाना है। हालेलुया, हर एक गलत चीज जो आपको नरक की ओर लेकर जा रही है, नरक के लिए, नरक में भी बहुत सारे खास खास स्थान है, उस पद है, ऊंचे ऊंचे पद है नरक में, भयंकर भयंकर दर्द है, पीड़ा है, उस पद के लिए आपको तैयार कर रही है दुष्ट आत्मा। इसी वक्त हर स्पिरिट को मैं ठहरती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गॉस्ट फायर, कई लोग तो ऐसे गलत गलत काम करते हैं जिनको बिल्कुल डर और भय नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो सब कुछ घात कर सकता है उससे डरो। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, जो नरक में जा रहे हैं, हर एक यूथ, हर एक लड़का और लड़की, जवान लड़के लड़की, जो परमेश्वर के वचन को ना सुन के, परमेश्वर की बातों को ना सुन के आज अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से किसी लड़के से शादी कर रहे हैं, हाली लड़की से शादी कर रहे, गलत चीज़ों को कर रहे, वह विचार कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट की शक्तियों से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसी वक्त रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकतो नमसंति रलबशंति रलबकंति रलबकति रलबकति रलबकति। प्रभु जी अपने रास्ता खोल दिया, धन्यवाद करते हैं। हर एक करप्टेबल थिंग्स आपके लाइफ से खत्म हो जाए, उखाड़ के जड़ से मैं फेंक देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नए विश्वासी बन जाए, नए लोग बन जाए, नए विश्वासी परमेश्वर को भाने वाले होकर बदल जाए। प्रभु जी देखो इनको, परमेश्वर पिता देखो, परमेश्वर पिता ये आप वाचा बांध रहे हैं, देखो परमेश्वर पिता की गलत चीजों को छोड़ रहे हैं, देखो परमेश्वर पिता आज इन पर दया करो, अद्भुत रीति से प्रभु मदद करो, इनकी सहायता करो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, शूलो 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 पवित्र आत्मा, शूलो यीशु के सामर्थ्य में मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर, इनकी मदद करो। हालेलुया, छुटकारा दो परमेश्वर, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, सहायता करो, स्वर्गदूत जाए इनकी सहायता करे, नशे से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। कई लोग कहते हैं हम विश्वासी, लेकिन विश्वासी तो है, लेकिन फिर भी वो विश्वासी के नाम को कलंकित कर रहे हो गलत कामों में। आज भी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य। विश्वासी होने के बावजूद भी आज भी अपने गलत रास्ते को पकड़ लिया, कई लोग बैकस्लाइडर हो गए, कई लोग गलत मार्गों को पकड़ लिया, सोचते वो कर रहा तो मैं भी करूंगा, कहते हैं होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का कोई डर भय नहीं है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का भय मानने वाला ही परमेश्वर को भाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गॉस्ट फायर, प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, करुणा निधान पिता परमेश्वर, जो सब कुछ बदल दिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं।
सारी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी, और कभी भी आप सेम न रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा की शक्ति जो आपको पकड़ी है, बीमार कर रही है, लड़ाई और झगड़ा लेकर आ रही है, दुष्ट आत्मा छुड़ के जाए, दर्द खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम में, पत्थर इसी वक्त मेल्ट होकर बाहर निकले यीशु के नाम में। जीव रसोली पेट की जितनी भी प्रॉब्लम अपने पेट पर हाथ रखो, होली गोस्ट फायर फायर फायर, हे शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। ब्रेन में जो प्रॉब्लम है, सिर की जो प्रॉब्लम, जितनी भी सिर की प्रॉब्लम है होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए, जितनी हार्ट की प्रॉब्लम है होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए हे यीशु के नाम में। पीठ की दर्द, हड्डी की जितनी भी प्रॉब्लम है, सिकनेस विकनेस कमजोरी, टीवी की प्रॉब्लम, हालेलुया होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। जितने मांसपेशी में प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, जिनको वीकनेस रहता है हमेशा होली गोस्ट फायर परमेश्वर की नई बल ताकत शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करे, रिसीव करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। टूटी हुआ हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक वीकनेस दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते, ब्लेस करते, धन्यवाद करते, परमेश्वर रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए, जितने फाइनेंस में डिस्टर्बेंस चल रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बखत्तो नमस्यन्ते रले बेखिन्ते रले बक्कान्ते रले बेशिन्ते येले बखत्तो नमस्यन्ते रले बेखिन्ते रले बेखिन्ते रले बेखिन्ते रले बगदिरा और बखत्ते नमस्यन्ते रले बेशिन्ते रले बेखिन्ते रले बगदिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूटे, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु शिव और बदल दीजिए, प्रभु शिव और बदल दीजिए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, सेनाओं का छू लिए धन्यवाद करते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे और आजाद हो जाए, डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक करप्टेबल थिंग्स जो घिरे हुए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, जो आपके बच्चे जो आपकी बात नहीं मानते और गलत संगति में पड़े हुए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में डिस्कनेक्ट करते हैं उन सारी चीजों से, होली गोस्ट फायर ईश्वर के नाम में आजाद हो। जो बच्चे को अपने अपने बच्चों को जिनको फॉरेन कंट्री में भेजा लेकिन फॉरेन कंट्री में जाते हैं उनका रूप नक्शा सब बदल चुका है, जो कि गलत काम में पड़ चुके, अडल्ट्री में पड़ चुके, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना चुके हैं, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ जो पाप में जा चुके हैं होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में बाहर निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शिवराज जात अपनी दया को प्रकट करती, खा परमेश्वर पिता मदद साथ को सुधारो, परमेश्वर मदद करो यीशु के सामर्थ्य नाम, छुटकारा दे दिए, धन्यवाद करते हैं, बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अब्बा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर का हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो और तसल्ली दो, और परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर, आप बदल देने वाले परमेश्वर है, सहायता करने वाले परमेश्वर है, एवरीथिंग्स हालेलुया अब चेंज हो चुका है इनके लाइफ में, धन्यवाद करती हूँ। जब ये सुबह को जब अपने काम में जाते हैं इनके साथ रहना, सारा काम सक्सेस सुन लो और ब्लेसेड हो और आशीषित इनके हाथों के कमाई सोर्स और हिस्से को ब्लेस कर, इनके लाइफ सेम रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। प्रभु जी ने प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, पढ़कर सुनकर और चलने वाले भी बना दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, कभी भी ये पीछे ना हटें और कभी भी हालेलुया परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना जाए, दूर ना हो, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, प्रभु ब्लेस करे, आशीष करे यीशु के सामर्थ्य, बिजनेस को आशीष करे, सर प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते, प्रभु मदद और सहायता करो परमेश्वर, आपका गुण बहुत निकट है, प्रभु जी तैयार करना परमेश्वर पिता, निष्कलंक निर्दोष बना राज आपका गुण होने से सभी समय में बदल जाना चाहिए, हे यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, तो चल भवन की जमीन के लिए अपने लगातार अपने बेस्ट बीजों को बोना है, जितने फॉरेन कंट्री से जितने अदर स्टेट से देख रहे हैं हालेलुया अपने बेस्ट बीजों को बो, ताकि जल्द से जल्द हम अपने भवन जमीन में जा सकें, तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। मसीह की तैयारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में है जो जिस चैनल का नाम मसीह की तैयारी चैनल, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना वचन को सुन सकें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, आप अपने भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भू सकते हो, लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है, तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं, हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए आप ब्लेस्ड हो सके, आप चाहे कोई भी क्यों ना परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द जम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भेजें। हालेलुया, परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमेन। प्रभु यीशु मसीह की तारीख और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमंस आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं उन वचनों को, हालेलुया गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी जिंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।